हेलो फैमिली, आपका स्वागत है पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और देख सकते हैं ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, 9-10 बज रहे थे। यहाँ मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए, अब बर्तन धुल चुके थे और मैं जल्दी जल्दी अब कपड़े धो लेती हूँ। अब थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं तो मैं हाथ से ही धो लेती हूँ, मशीन में रोज़ रोज़ नहीं लगाती हूँ, तो इससे मैं कपड़े कम निकल रहे हैं। तो मैंने धो लिया था, बच्चों को नहला दिया था, बच्चों को को चाय वाय दे के खाना के चाय और खाना दोनों साथ दे दिया था मैंने, कहा साथ ही, क्योंकि उन लोग को ट्यूशन जाना था। और यहाँ मैं कपड़े निकाल लूँगी, और ये मैंने आज भी छिया सारी धोई है दोनों, तो ये सुबह ही मैं धो के डाल दिया था मैंने, तो इसलिए। और आप लोग बताइए कैसे हो और मेरा ब्लॉग कैसा जाता है, आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और प्लीज़ बताइए और प्लीज़ कमेंट किया करिए। और देखते हैं आप लोग, जितने लोग देखते हैं उतने लोग कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि इतना ख़राब भी वीडियो नहीं जाती कि आप लोग के दूसरों में देखती हूँ कि छोटी सी ऐसी वैसी वीडियो भी रहती है उस पर इतने भर भर के कमेंट आते हैं। तो यहाँ मैं, चलिए कोई बात नहीं, जब जिसका जिसको मैं पसंद आऊँगी खुद ही सब करेंगे। और यहाँ मैं कपड़े धो लूँगी जल्दी से, और कपड़े धोने के बाद मुझे अभी नीचे की सफाई करनी बाकी थी, तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े अपने ऊपर का काम मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ऊपर धूप हो जाती है, धूप में काम करने में बहुत, तो भी मुझे करना ही पड़ता है कितना भी कर लूँ, क्योंकि धूप अब टाइम टाइम से तो सब नाश्ता पानी में कपड़े बर्तन निकलते ही रहते हैं। तो ये मैंने जल्दी से कपड़े धो लिए हैं सारे, आप देख सकते हैं। और वीडियो कुछ इसी तरीके से जाएगी, ये देख सकते हैं ये ब्लाउज मैंने आज सिला है। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसा सिला है, और ये जिसका सिला है उनको बहुत पसंद आया है ये ब्लाउज। तो अभी इसकी तुरपाई वगैरह रह गई थी तो ये मैंने दिया नहीं है। तो यहाँ मैं कर रही थी कंघी, देख सकते हैं। और कंघी करने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे दिन आज स्टिचिंग की है तो मैंने बाल कंघी नहीं की थी, ना ही मैं तैयार हुई थी, पूरे दिन ऐसे ही रह गया था मेरा। तो मैंने कहा अब शाम हो गई, अब कंघी कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैं कंघी कर लेती हूँ, तब तक आप लोग मुझे देखिए और मेरा छोटा सा मेकअप देखिए जो मैं रोज़ के रूटीन में करती हूँ। फेस देख के लग रहा होगा फेस पे 12 बजे हुए हैं, तो हो जाता है जो घरेलू होते हैं, घरेलू मतलब जो घर का काम करती हैं, हाउस वाइफ जो कहते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है, अपना ध्यान कहाँ रख पाती हैं। तो देखिए आप लोग,
पूजा ब्लॉग जय माता दी में। और मैंने स्टार्टिंग करते समय भी एक बार बोला था, पर अपने ब्लॉग का नाम लेना चाहिए, इसीलिए मैं लेती हूँ। और मैं हूँ पूजा, और आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे। तो हो रहा है शाम का टाइम, और इस टाइम हो रहा है 5:30। और आप लोगों ने देखा मैंने मेकअप, और मैं कितना मेकअप करती हूँ आप लोगों ने मुझे देख लिया होगा। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, वो क्रीम भी आज मैंने लगा लिया आप लोगों के सामने। तो और शाम की अब बना रही हूँ मैं चाय, देख सकते हैं यहाँ पे चाय चढ़ाई है मैंने। और ये मैंने सिर्फ मम्मी पापा और इनकी चाय चढ़ाई है, क्योंकि मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं चाय दे आऊँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए बाहर कितना अच्छा मौसम है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, कपड़े सारे उड़ रहे हैं। तो चाय दे के तब मैं आप लोग को आती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं आप लोग को क्या दिखाना चाहती हूँ। मैं सबकी चाय दे के आ गई हूँ, अब मम्मी नहीं है सिर्फ चर्चा में, तो उनकी चाय नहीं दिया है, जब वो आएंगी तो पियेंगी। और आप लोग से बता दूँ कि नीचे जो गाना सुन चल रहा है उस पर मतलब कॉपीराइट ना आए, तो ज़्यादा तेज तो ऊपर आवाज़ आ नहीं रही, इसीलिए मैं डाल दे रही हूँ। और मैं जा रही हूँ अपनी चाय चीप पीने, और आज बनाऊंगी, आज खाने में बनाना है मुझे चने और सोयाबीन के चावल और तोरी की सब्जी और रोटी। तो मैंने चने फूल चुके हैं, देख सकते हैं चने फूल चुके हैं ये रहे। तो इसमें से थोड़ा सा ये जिम खा के चले जाएंगे, और मैं थोड़ा सा चना चावल में डालूंगी। अच्छा सोयाबीन भिगोऊंगी, थोड़ा रुक के भिगाऊंगी क्योंकि अभी टाइम है बहुत, मतलब अभी इतनी जल्दी खाना नहीं बनाऊंगी। अभी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, पहले मैं अपनी चाय छान लूँ, उसके बाद आप लोग को दिखा देती हूँ कि मैंने आज क्या क्या सिला है और क्या क्या बनाया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को चाय छान के। आ जाइए सब लोग, चाय पी लीजिए और पानी भी, मैं पानी पीऊँगी, बहुत देर हो गया मुझे पानी पिए हुए, तो सिलाई के चक्कर में मैं पानी नहीं पी रही थी। तब शुरू कर देती हूँ मैं दिखाना कि मैंने क्या बनाया है आज, और आप लोग बताइएगा कि वो कैसा बना है। तो ये देख सकते हैं मैंने ये ब्लाउज बनाया है प्रिंसेस कटिंग, और इसमें मैंने इस तरीके से ये लैस था साड़ी में ही मिला था लगा दिया है, और ये पीछे बंद करने वाला बनाया है मैंने, अभी इसमें हुक वगैरह लगाऊं, इसकी लटकन मैंने इस तरीके से लगाई है। और मैंने ये भी ब्लाउज बनाया है सीखते हैं, और इसका बैक पे मैंने ब्लॉक किया है, कॉर्ड किया है, और इसकी स्लीव इस तरीके से दी है, और रुकिए और एक गाउन भी बनाया है इस तरीके से, आप लोग को पूरा दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये इस तरीके से मैंने गाउन बनाया है, और ये जैसे साइज बड़ा है ये, तो इसे हाय बोलो, हाय हाय, ये तो इतने अकड़ते हैं, बोलते हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं। देखा हमारे रोज हिलो के 100 सब्सक्राइबर इन्होंने अपने इंस्टा पर ये डाला है, और वो मम्मी आपका 100 सब्सक्राइब जाएगा तो आप रोल खेल, इस बोने से भी मिल लीजिए, मेरे बेटा है ये, तो क्या कहते हैं इन्होंने बोला है 100 सब्सक्राइब बढ़ जाए, मेरे तरफ मैं जो रोल की मैं गा दूंगी भाई, तो चलिए लोग से चीकू के बाबा बेट की रिक्शा चढ़वाना है, हमारा दिख गया है की दिखा से फेस्टिवल वगैरह पे बोलो डांस करने को नहीं नहीं आता किसने, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा बना है। वैसे तो ब्लाउज जिनका है उनको पसंद आएगा ही, अभी वो नहीं है, आएंगी आ गई, देखिए ये के बारे में बता रही थी मैं
इन्हीं का ब्लाउज हम दोनों ही बना है, इनका भी है और मेरी है, तो हम दोनों साथ बनाते हैं। तो आप लोग हम दोनों वीडियो को सब करिए, दोनों के चैनल को सब करिए। चलिए मिलती हूँ आप लोग दूसरे ब्लॉग में। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग लगेगी अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज मुझे कमेंट करिएगा।